रुमा है मथुरा नरेटी और पिता सुगेंद्र नरेटी और जेकर आशीर्वाद सबले जया मैया मिले है सन्यान छी नरेटी वेला नरेटी दाई पिता युवा भाई हो कि एक जे हमारे ये छट्टी के संस्कार के जे कार्यक्रम में हम सबो सगा मन सकलाय भगन और सबो को सगा मन सकलाय के जिन नया जीवन हो जे नया जीव हो आज इनरिटी घर के आंगन में जन्म थे वो रेला की तरह का बड़ी बात हुई है वो रेला की गाड़ी के पीछे का सिद्धांत दिखे हुए और पीछे तर्क है का रीजन है पहला हम सब चलना जाने लगे बैठा हो हम तो छठी के दिन में रेला गावत सुनथन बर बिहाव दिन जब मरवा करते बर बिहाव होते थे दिन घला रेला गीत के साथ ही उधर निकल गए जाते अब दैदा हो एक जन और बड़ खुशी की बात है कि कौतुर घर में अगर कोई बुजुर्ग सियान के मृत्यु हो जाते या मर जाते आदमी हाँ तो जिस दिन आदमी हाँ मरते तब घला उमर है कि हाँ प्रथम संस्कार जे छठी होते तेरा पहली बिहाव घल भर के ऐसे करके घल जानते हैं और तेहर के पुरखा मन हाँ और सियान मन हाँ वही रिवाज मत करे पर आप सबो जन मन हाँ सहयोग प्रदान करे हो कई दिन हो आप सबो जन के बीच में बड़ सुंदर असर ढंग से जन्म संस्कार के कथल कहे के अवसर प्रदान हुए सवे और ये कथल आप सबो जन के बीच में परोसत हवे लिंग गोपल विश्रामपुरी के युवा साथी मन टहन ले और लिंग गोपल विश्रामपुरी टहन ले आप सबो जन सगर समाज ला हमन हाँ बहुत बहुत सेवा जुहारे करके आप सबो जन मन के हार्दिक स्वागत अभिनंदन सेवा जुहारे करत हन बोले दादी सती के सर रे कुंवर बाबा ना सेवा बोले दादी सती के सर रे कुंवर बाबा ये नव जन्म जल्ला हमर कथन नव जीवन के जो उत्पत्ति हमर कथन ये दुनिया की रीत है ये प्रकृति की रीत है कि ये धरती में मानव के जीवन और मरण है लगी रहती है जेल घर धरती में जन्म लेते तेल ला सबो चल रहे धरती ले एक दिन बीते चले लगते वही लग रहे हैं एक और माने की संस्कृति में कि जन्म मिया मरण तेने आई काल जीवन संस्कार गावी बचपना जवानी बुढ़ापा गुण धर्म भई नित्य साफा गुण धर्म भई नित्य साफा दैवता हो जन्म विवाह मरण तेने आई मतलब होते कि जन्म विवाह और मरण ये जो तीन संस्कार है जन्म विवाह मरण के जो तीन संस्कार है वो संस्कार है मानव जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कथे काबर की अगर ये धरती में कोई जीव हर जन्म ले है मानव के रूप में कोई जीव हर जन्म ले है तो जीव के तीन संस्कार ला करना ऐसा पुरखा मन हाँ हमारे पूर्वज हो बताए हुए अगर कोई मनुष्य के कोई मानव के एक कोई अधर्म में कोई तुर समाज में अगर तीन संस्कार नहीं करत हवे तो वो मनुष्य के जीवन हाँ अधूरा होते उगर जीवन कार्य हाँ अधूरा होते और मृत्यु हो जाने के बाद अगर वो तीन संस्कार नहीं करी तो हाँ केसर कुंवर जैसे वह पेन नहीं बन सके वो केसर कुंवर जैसा शक्ति के रूप में प्रदान नहीं कर सके नहीं पाए के दायित्व हो कि काकर घर होए हमने ये नहीं कहा था कि कोई तुरे घर होए कोई तुर है नहीं बल्कि इस भूभाग में धरा में ये जमीन में जति घला मानव जीवन है जति घला मनुष्य मन हरे जेन हर घले धरती में जन्म लेते वो सबो मानव ला प्रथम संस्कार जेवला छट्टी के नाम धरे जाते वो संस्कार करना बहुत ही अति आवश्यक है अगर छट्टी की निगलन नहीं करत हस्ते हम और कोई तुर समाज में जन्म ले हवस तो तुरम पर बिहाव घर नहीं हो सके काबर की छट्टी नहीं हो सके तो तुर बिहाव नहीं हो सके मतलब तुर मर्मिक नहीं हो सके मंडा नहीं कर सके मंडा है तभी करी जब तुर छट्टी होगी भाई दादा हो इला हमारा आजकल नए नामकरण दे हैं जिले कथन नामकरण और छट्टी कथन एक ओरिजिनल नाम हरे जिला कथे दिया दिखाई के ने दिया दिखाई के नेक मतलब होते कि जे लड़का है मां के गर्भ से जन्म ले रहे और लड़का है दुनिया में आए रहे ये दुनिया के कई प्रकार के चक्कर चौंध रहे
कहीं उजाला रथे कहीं अंधेरा रथे कहीं किसी प्रकार के कई तरह के कई उजाला बड़े रथे तो सब चीज से मुक्ति पा करके ओकर जीवन में सदैव उजाला रहे ओकर जीवन में कभी अंधेरा ना हो और